हो जाओ, क्यों रो रही हो इस तरह? मुझे बेगम साहब का सोचकर बहुत दुख हो रहा है। अभी तो उनकी उम्र भी बहुत कम है और वो बेवा हो गई। ऐसी बातें मत करो, अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये क्या चीज है? क्या हो रहा है ये? बाहर निकालो मुझे। जॉसन दौरे हुकूमत का पहला साल। जॉसन के लोगों ने आसमान में उड़ती हुई अजीबोगरीब चीज को देखा और उसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो गए। लेकिन उन लोगों की मदद से मैं जॉसन तक पहुंचा। इस जमीन के लोगों ने मेरे सैयारे का नाम KMT-184.05 रखा। यह जमीन से मिलता जुलता सैयारा है। मैं उसी सैयारे से हूं। जॉसन उस दौर से अब तक हैंगिंग सॉल के रहता है और मुझे यहां रहते हुए 400 साल का अरसा गुजर चुका है। यहां की हवा, यहां की खुशबू, यहां की हर एक चीज
मैं इन सब चीजों का आदी हो चुका हूँ। मेरे सारे सेंसेस, चाहे वो सुनने के हों या देखने के, जमीन पर रहने वाले लोगों से कई गुना तेज हैं। ये सब मेरी अंदरूनी ताकतों का करिश्मा है कि मैं ना नजर आने वाली चीजों को देख भी लेता हूँ और सुन भी लेता हूँ। मुझे कोई खास खाना पसंद नहीं है और ना ही मैं अपने आप को यहाँ के रहने वाले लोगों से मिलाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की? यहाँ के लोगों की जिंदगी में दखल देना मुझे बेमायने लगता है। मैं यहाँ 400 साल से मौजूद हूँ और अब मैं भी ये समझता हूँ कि कुछ हादसात होने ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम उन्हें बदल नहीं सकते और यहाँ के लोग उसे मुकद्दर कहते हैं और इनका मानना है चाहे कुछ भी हो, मुकद्दर कभी नहीं बदलता। आयसन इस सदी की दरियाफ्त है। हम 400 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे और अब 3 महीने बाद हम इसे यहां से देख सकेंगे और उसके बाद मैं भी लौट जाऊंगा उस प्लेनेट पर जो मेरा है। नोना, ये लो तुम्हारी कॉफी। मोकल आते? हाँ, मोकल आते ही। चलो बस करो आप। ये लो, पी लो तुम। बहुत शुक्रिया मैडम। ये क्या, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया हूँ और तुम? तुम्हें नहीं पता कि क्रीम में कितनी कैलोरीज होती हैं? अगर मैंने ये पी ली तो रोज 2 घंटे भागना पड़ेगा। यू आर राइट, तुम हमेशा ही सही बात करके हमें लाजवाब कर देती हो। सही कहा। सामान रख दिया? सामान तो कब का रख दिया मैंने, और सारी सफाई भी कर दी है। नूना, क्या कर रही हो? फैंस से बातें कर रही हूँ। क्या बातें कर रही हो तुम उनसे? दोबारा वो गलती मत कर देना प्लीज। दिन भर की थकान के लिए कॉफी बहुत जबरदस्त है। अब मैंने जाना कि मॉनिक जैम कोरिया में कॉफी की स्मगलिंग क्यों करते हैं। क्या बात है, थैंक यू मॉनिक जैम। नूना, मतलब क्या है इस बात का? तो क्या तुम मॉनिक जैम को नहीं जानते जिन्होंने कॉफी की पैदावार के लिए यहाँ पर काश्त की थी? वो चाइना से उसके बीज स्मगल करके यहाँ पर लेकर आए, बहुत होशियार है वो। वो कॉफी के बीज नहीं थे, वो कपास के बीज थे नूना। ये देखा तुमने? तुम लोगों ने चैन का स्टेटस देखा? कितनी दफा मना कर चुका हूं कि फजूल की चैटिंग मत किया करे। कैसे हुआ ये? हाँ, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो हमारी सुनती ही कहाँ है सर, कौन रोके उसे? तुमने डिलीट कर दिया?
कोशिश कर रहा हूँ सर, मगर इतने लोगों ने कमेंट्स कर दिए हैं कि डिलीट करना मुश्किल हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है। कपास के बीजों को कॉफी के बीज कैसे समझ सकती है वह लड़की। और वो मोनिक चैंग कभी नहीं मानेगा कि ये गलत फहमी से हुआ है। चैंग ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पहले ही शूटिंग इतनी देर से खत्म हुई है, अब तुमने मुझे क्यों बुलाया है? थक गई हो तुम? वाह, इस थकावट में भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो ना। मैं तो कहता हूँ इस थके हुए फेस के साथ एक और शूट हो जाना चाहिए। क्या कहना है तुम लोगों का? मजाक मत करो, जो कहना है वो कहो, मुझे जाना है। ओके, तो क्या तुमने कभी कॉफी के बीज देखे या उनके बारे में सुना है? लोगों को सही बात बताना गलत है क्या? सही कहा। लोगों को इससे पहले तो पता ही नहीं था कि कॉफी और कपास के बीच में क्या फर्क होता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया में तो लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारी कामयाबी और खूबसूरती से जलते हैं। हाँ, जानती हूँ लोगों को कि वो क्या सोचते हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों की फिक्र करना छोड़ दो और आज के बाद ऐसा कोई भी मैसेज मत करना। मुझसे ये नहीं होगा। क्यों? व्हाई? तुमसे क्यों नहीं होगा? उनसे बातें किए बगैर मुझे चैन नहीं आता। तो मैं किस लिए हूँ? मुझसे बातें कर लो ना। ये उससे भी मुश्किल है। तुम्हारे पहले स्पॉन्सर ने भी इसी वजह से डील को कैंसिल। मुझे जेके प्रोडक्शन से बहुत दफा कॉल आ चुकी है, बुला रहे हैं वो। जेके? वो किस लिए? वो चाहते हैं कि तुमसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लूं और उन लोगों को ज्वाइन कर लूं। बहुत बड़ी फिल्म शूट करना चाहते हैं वो, जो जापान में होगी। बहुत से इन्वेस्टर्स हैं उनके पास वहां के। अब क्या किया जाए? मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? और कुछ पूछना है? हाँ, नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा नया घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हे, तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ, मैम को घर छोड़ के आओ। अच्छा, वाकई उसे कुछ मालूम नहीं था इस बारे में? या वो जानबूझ के ऐसा करती है? जानबूझ के नहीं करती, वो है ही बेवकूफ। अच्छा सुनो, तुम लोगों को याद है ना, प्रिंसिपल ने आज हम लोगों को लंच पे बुलाया है। उन्होंने कहा है कि हम सबको आना है। प्रोफेसर डोमीजॉन, आपके पास थोड़ा टाइम होगा? बहुत मसरूफ लग रहे हैं, आप हमारे साथ लंच पे चलेंगे? मैं नहीं जा सकता। हम पिछले एक साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी हमारे साथ लंच नहीं किया। आपको मेरा नाम तो याद है ना? भूल गए? ओ गॉड, हमारी तो यहाँ रोज मुलाकात होती है, क्या आपको फिर भी हमारा नाम याद नहीं? मुझे तो जानते हैं ना। मुझे जाना है, I'm sorry. नोना, अकाउंट डिलीट कर दो। ये नहीं हो सकता। सुन लिया, इतने फैंस हैं मेरे, उनका क्या होगा? ये तुम्हारे फैंस ही एक दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। शायद तुम भूल रही हो, याद है जब तुमने गार्लिक पिज्जा पे कमेंट्स दिया था तो क्या हुआ था? आखिर गार्लिक पिज्जा में गार्लिक की स्मेल क्यों आती है? ये सिर्फ मुझे आती है या आप सबको भी आती है? तुम समझती ही नहीं, लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था इस बात को लेकर कि तुम्हें गार्लिक का भी नहीं पता। क्या लोगों के सामने इसी तरह हमेशा शर्मिंदा होती रहोगी? बताओ मुझे। ये सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं तुम पर। मुझे इन सब की परवाह नहीं है, कुछ भी कहे। नूना, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अपने फैन से दूर रहना चाहिए तुम्हें। जितना इनके करीब जाओगे अपनी इज्जत खो दोगी इनकी नजरों में। तुम एक सेलिब्रिटी हो, स्टार हो, इनसे मुकाबला नहीं है तुम्हारा। अगर तुम चाहती हो कि इनके दिलों में तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। मैडम, पीछे मत आओ, मैं चली जाऊंगी। नूना, कहाँ जा रही हो? तुम्हें अपने नए घर का पता है? तुम्हें क्या, मैं इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ कि अगर मुझे गार्लिक का नहीं पता तो मुझे अपने घर का भी पता नहीं होगा? वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली जाओ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैंने कह दिया ना, रुक जाए, जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है, लेकिन ये इयररिंग्स देने हैं क्योंकि ये स्पॉन्सर्स के हैं। हो गया, अब जाओ यहां से।
उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पिछली बार याद है ना, जब वो अकेली गई थी तो कितनी गड़बड़ हो गई थी, जबकि उस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं था। पता नहीं उस बेचारे ने क्या किया था, लेकिन इसने तो अपना मोबाइल उसके सर पे मार मार के तोड़ दिया। बुरी हालत कर दी थी उस लड़के की। सच कहूं तो उस लड़के पर बहुत तरस आया था मुझे। तुमने बटन प्रेस नहीं किया। जिस फ्लोर पे जाना है तुम्हें उसका बटन प्रेस करना चाहिए था। मैं चैन सॉन्ग ही हूं। कब से पीछा कर रहे हो तुम मेरा? अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे नए घर के बारे में कैसे मालूम हुआ? क्या चाहते हो तुम? ऑटोग्राफ चाहिए? पिक्चर खिंचवानी है? क्या करना है? खूबसूरत हो, जवान हो, मेरे ख्याल से तुम्हें इस स्मार्टनेस को अपनी स्टडी और स्पोर्ट्स पे यूज करना चाहिए। और तुम बहुत ही गलत इंसान का पीछा कर रहे हो मिस्टर। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा है? तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं मैंने। चुटकी में मसल देती हूँ मैं। अगर तुमने कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम मेरे घर में घुसने की कोशिश कैसे कर सकते हो। तो तुम पड़ोसी हो मेरे, तो तुम भी यहाँ रहते हो। मेरा ये सामने वाला अपार्टमेंट है 2301। आज ही शिफ्ट हुई हूँ यहाँ। तुम मुझे नहीं जानते? वाकई नहीं जानते? रियली? जानना जरूरी है मेरा। नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे अपने घर का पासवर्ड डालना है। ओह सॉरी। हाँ सॉरी। बहुत ही अजीब आदमी है ये, मुझे नहीं पहचानता। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं जानता ये, कहीं बाहर से आया है या कोई खलाई मखलूक है? पूरे कोरिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरी बेटी को ना जानता हो। वैसे आजकल तो जिसको देखो एक्टर और सिंगर बनने के लिए तैयार खड़ा है, कोई जांचने वाला ही नहीं। इतना आसान थोड़ी है जितना ये समझ रहे हैं। किसी एक सीरियल के फेमस हो जाने से ये थोड़ी समझना चाहिए कि आप कोई बहुत बड़े स्टार बन गए हो। स्टार बनना इतना आसान नहीं है। सही बात है, मुझे तो चैन सॉन्ग ही पसंद है। सारे ड्रामे देखे हैं मैंने उसके। चैंग की तो बात ही और है, उसे तो कोई बीट नहीं कर सकता। वैसे सिमी भी बुरी नहीं है, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। अच्छा मैंने सुना है चैंग ने फिल्म के लिए मना कर दिया है। उसने हमेशा ड्रामे को फिल्म पर तरजीह दी है, वरना डायरेक्टर हाँ। बॉन्जन तो कास्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं। ओ खैर अब उसकी मर्जी है। हाँ सिमी भी इसी ड्रामे में काम कर रही है ना? उसके बारे में तो नहीं पढ़ा। हाँ वो है इसमें। शायद मेरी बेटी की दोस्त बनी है वो इस ड्रामे में। अखबारों में सिर्फ मेन कैरेक्टर्स का लिखा जाता है। अच्छा ये बताओ चैंग किस जगह शिफ्ट हुई है? शिफ्ट हो गई? ताज्जुब है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो नए घर में शिफ्ट हो गई है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मालूम है वो कहाँ गई है और मैं भी जाऊंगी वहां पर। असल में मुझे वो सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने आज ही बताया मुझे। अब किस जगह शिफ्ट हुई है? वो शिफ्ट हुई है गोल्डन डेलिस, वहां शिफ्ट हुई है वो। ओ हाँ बताया था उसने, भूल गई। मेरी जुबान पर नहीं आ रहा था ये नाम।
गाड़ी रोको यहाँ पर। ओनी आओ बैठो, छोड़ देती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। वैसे चैंग को चाहिए कि तुम्हें गाड़ी ले दे ताकि आने जाने में आसानी हो जाए। यूं टैक्सी का वेट करना अच्छा नहीं है। वो तो कहती है मुझे ड्राइवर इस्तेमाल किया करे मॉम, लेकिन मैं ही उसे मना करती हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इस तरह आज़ाद घूमना फिरना अच्छा लगता है बहुत। चलो ठीक है फिर, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ बाय, टेक केयर। इसकी लालच की वजह से इसकी बेटी ने इसे छोड़ दिया है, लालची औरत। छोटा सा रोल मिला है बेटी को और इतना अकड़ रही है। इतनी बड़ी आर्टिस्ट की माँ से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है इसे। इस लड़की का क्या करूं मैं, कहाँ शिफ्ट हुई है बताया भी नहीं इसने। ये गाना गाने वाले भी कितने बेवकूफ होते हैं। ओहो हो हो हो, जैसे कमेंट्स दिए हैं लगता है कोई बच्चा है। तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी अकल नहीं है और मुझे तो लगता है इसके पास तो दिमाग ही नहीं। जब लोगों को कमेंट्स करना आता ही नहीं है तो फिर कमेंट्स करते ही क्यों है। बोलिए मॉम। नोना क्या है ये, तुमने मुझे नए घर के बारे में बताया क्यों नहीं? दूसरे लोग मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारी बेटी नए घर में चली गई है। आप ही ने मुझे कॉल करने से मना किया था, माँ बेटी का रिश्ता तो आप खत्म कर चुकी हैं। वो तो मैंने गुस्से में कहा था। तुम मेरी बात सुनती नहीं हो इसलिए मैंने ऐसा कहा। मॉम आपकी बात और ख्वाहिशात तो हमेशा से मानती आ रही हूँ मैं, चाहे किसी फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या किसी डिजाइनर का सूट लेना हो, उसका बिल मैं ही पे करती हूँ। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। चले अभी की बात कर लेते हैं। एक दो दिन पहले ही आपने मुझसे पैसे मांगे हैं क्योंकि आपको जिम खोलना है। हाँ तो इसमें क्या है, वो भी तुम्हारे लिए ही है। तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? हजारों रुपए खर्च होते हैं तुम पर तभी ये खूबसूरती नजर आती है। अगर मैंने तुम्हारा इतना ख्याल ना रखा होता तो तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खूबसूरत और हसीन नजर आ सकती थी? और तुम्हारी एक्टिंग तो सबको बोर कर देती है। कामयाब हो तो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से। और वो खूबसूरती तुम्हें इस वजह से मिली है कि तुम अपनी माँ की तरह दिखती हो, ना कि अपने बाप की तरह। मैं अपने डैड की तरह दिखती हूँ। तुमने उन्हें देखा भी है? ये तो मेरा हौसला था कि इतने बदसूरत आदमी के साथ इतने साल गुजार दिए मैंने। यानी इसका मतलब आपने डैड से शादी उनके पैसों के लिए की थी ना मॉम, और जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो आपने उन्हें छोड़ दिया। क्या आखिर जानते क्या हो तुम इस बारे में, बताओ जरा मुझे। हाँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मॉम मैं अपने डैड से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। खैर इस वक्त मेरे पास तुमसे बहस करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। 50,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और हाँ अपने भाई को फोन करके पूछो वो कहाँ है, 2 दिन से घर नहीं आया। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है, फिर घर छोड़ के चला गया। हे योग, देख जरा कैसा फिक्स किया है, बिल्कुल असली लग रही है ना। अरे क्या हो गया है यार? अभी के अभी डिलीट करो वरना बहुत मार खाओगे मुझसे। ठीक है करता हूँ। इसको इतना बुरा क्यों लग रहा है? शायद ये इसका फैन होगा।
लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बेल क्यों बजाई है? ये बताने के लिए कि बिल्डिंग में सब लोग सो रहे हैं। इतनी जल्दी क्या टाइम हुआ है? क्या रात काफी हो गई है? जी हाँ, रात काफी हो गई है। अगर आप अच्छा भी गाती हैं तो ये वक्त गाने का नहीं है। तुमने मेरा गाना सुना? मुझे लगा था इस बिल्डिंग में घर की आवाज बाहर नहीं जाती। खैर, आई एम सॉरी। एक और बात, क्योंकि आप अच्छा नहीं गाती हैं तो इसीलिए आपको ऊंची आवाज में तो बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। क्या? रात को ऐसे शोर करना कानूनी जुर्म है। पुलिस को पता चल जाए तो सजा भी मिल सकती है। अच्छा, अब आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे इसकी सिर्फ इसलिए कि मैं गाना गा रही थी? मेरा वो मतलब नहीं था। इंसान को कॉमन सेंस होनी चाहिए। कितनी रात हो गई है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझ में कॉमन सेंस नहीं है? मेरा मतलब ये। आपका मतलब ये कि मैं पागल हूँ, बददिमाग हूँ, बदतमीज हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। बल्कि यूं कहो कि मेरी ऊपर वाली खोपड़ी बिल्कुल खाली है, यही कहना चाह रहे हो ना तुम मुझसे? हाँ, मैंने आज सिर्फ एक सेब और थोड़ी सी सब्जियां खाई हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे इतने गम दिए हैं कि और किसी चीज की जगह ही नहीं बची। मुझे नहीं पता था कि तुम आकर इसमें मजीद इजाफा कर दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गाना गा रही थी। क्या मैं थोड़ी देर गा भी नहीं सकती? इतने तन से बुरी बातें सुनने के बावजूद भी खुश नहीं हूं मैं। स्ट्रेस दूर कर रही थी अपना, ताकि अपने अंदर की तकलीफ को थोड़ा बाहर निकाल सकूं मैं। बस सॉरी कहने की जरूरत नहीं मुझे। अब डिस्टर्ब नहीं होंगे, जाकर सो जाइए। ऐसा भी क्या गलत कर दिया था मैंने? क्यों मैं ही गलत हूं? बाकी सब ठीक है। मॉम को भी मेरी परवाह नहीं, कोई नहीं समझता मुझे। और उसे देखो मुझे आके कह रहा है मैं दुनिया की बहुत बेवकूफ लड़की हूं। ये तो गलत बात है। हम लोग टाइम पर आ गए थे ताकि सारे सीन्स कंप्लीट हो जाएं और हम लोग वक्त पर वापस चले जाएं। और अब देखो क्या टाइम हो रहा है, 4 बजने जा रहे हैं। 4 नहीं बल्कि 5 बज चुके हैं यार। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब डायरेक्टर साहब कहेंगे तो ही शुरू करेंगे ना, इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ, इसका लीड रोल नहीं है इसलिए कर रहे हो ना ऐसा। अगर अभी चैंग यहाँ होती तो क्या तुम उसके साथ भी यही करते? इतना इंतजार करवाते उसे? इस बात का चैंग से क्या लेना देना? कल सीमी के 3 शॉट्स 12 घंटे में शूट हुए। पहला सीन सुबह शूट किया और 2 सीन शाम में, और वहीं चैंग सॉन्ग उसके 20 सीन 7 घंटे में कर दिए। ये कोई तरीका है? हम लोग भी इतने फारिग नहीं, हमें भी बहुत काम है। तो मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो यार? अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो इसको बोलो कि चैंग सॉन्ग जैसी एक्टर भी बने। क्या कहा? अच्छा बस करें, क्या हो गया है? आई एम सॉरी मिस्टर जो,
असल में ये आज थोड़े से परेशान हैं। सब परेशान लोग मेरे पास ही आते हैं। ये लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं। आपको पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? ये चैंग सॉन्ग अभी तक क्यों नहीं आई, उसके तो सीन भी रेडी हो चुके हैं। चैंग सॉन्ग आज शायद लेट आए, या हो सकता है आई नहीं। क्यों, क्या आपने न्यूज़ नहीं देखी? हम अक्सर शोबिज़ स्टार्स के बारे में सुनते हैं कि कैसे स्पेशल प्रोसेस के जरिए उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया। इससे बढ़के ये कि वो स्कूल और कॉलेजेस में भी एक शागिर्द की बजाय स्टार के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चैंग सॉन्ग पिछले कई महीनों से अपने कॉलेज नहीं आ रही। इन्हें कैसे पता चला? तो हमने सोचा क्यों कि मैं इतने दिनों से कॉलेज नहीं जा रही। मीडिया से ये बातें छुपती नहीं है। आपने चैंग को आखिरी बार कब देखा? कल रात को ही देखा था टीवी पर, बहुत अच्छी लग रही थी। मैं टीवी की नहीं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। नहीं, कॉलेज में तो उन्हें नहीं देखा, काफी दिन हो गए। अब मैं शूटिंग के दौरान जाकर कॉलेज कैसे अटेंड करूँ, ये तो ज्यादती है ना। हाँ, उनकी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का कहना है कि चैंग अपनी मसरूफियात की वजह से कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रही। और क्या, लेकिन उनकी एजेंसी ये नहीं बताती कि जब वो इतनी मसरूफ हैं तो उनके पास अपनी हर हर हरकत और अमल के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करने का वक्त कैसे मिल जाता है। यहाँ तो ये किसी भी तरह मसरूफ नजर नहीं आती। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी शोहरत का इस्तेमाल किया और अब उनके पास बतौर स्टूडेंट कॉलेज अटेंड करने का वक्त नहीं। हम कब तक इसे नजरअंदाज कर। और कमेंट मत करना इस बात पर, मैंने डायरेक्टर पार्क से बात कर ली है कि तुम्हारी सीन रात में शूट कर लिया करें। डे के शॉट्स वीकेंड में कर लिया करेंगे, उसका मसाला नहीं है। फिलहाल तुम्हारा कॉलेज जाना बेहतर है। ये न्यूज़ सुनने के बावजूद कॉलेज जाऊं? सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। हाँ जानता हूँ, आज की न्यूज़ के बाद अगर तुम कॉलेज गई तो तुम्हारा मजाक जरूर उड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सब यही समझेंगे कि तुम किसी की बात नहीं सुनती, अपनी मनमानी करती हो। प्लीज कॉलेज जाओ। इतनी देर हो गई है, तुम्हारा भाई अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? बस आता ही होगा डैड। पता नहीं इस लड़के का बचपना कब खत्म होगा, मुझे समझ नहीं आता कि ये चाहता क्या है। खैर छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि शॉपिंग मॉल की जमीन का क्या हुआ? इतने दिन हो गए तुमने अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी? उसका मालिक फिलहाल जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को बोलकर मीटिंग अरेंज करवाओ। वो प्रॉब्लम हल हो गया रेट। वो कैसे? उस जमीन के मालिक की डेथ हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। हैं? सेक्रेटरी की कॉल आई थी, उसी ने बताई है मुझे ये बात। क्या वाकई? यानी कि हमारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई। कम अज कम एक खुशी की खबर तो मिली मुझे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसका बेटा है, उससे बात करनी पड़ेगी। वो क्या चाहता है, जमीन बेचेगा या नहीं? देख लेंगे, उससे मैं बात कर लूंगा। अच्छा तुम अपने भाई को कॉल कर दो, रात का खाना साथ खाएंगे। ठीक है। हाय, क्या हाल है? सॉरी यार मैं आ नहीं पाऊंगा, पहले किसी और से मिलना है मुझे। तुम नहीं सुधरोगी। अच्छा ठीक है, ओके बाय। थैंक यू मैडम। एहतियात से। लियो तुम? चैंग, वाह क्या बात है, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। कब से आए हो तुम यहाँ? बस थोड़ी देर पहले, इतने महीनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ये खुशियाँ मेरे नसीब में कहाँ हैं? तुम्हें कॉलेज जाना है ना, चलो मैं छोड़ देता हूँ, चले। आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो तुम। हाँ, तुमसे मिलने के बाद मेरी खुशी बढ़ जाती है। अब तुम जल्दी से पढ़ाई खत्म कर लो ताकि हम लोग शादी कर लें। ओके, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? करनी है, क्यों नहीं करनी? तो फिर इतनी जल्दी क्या है? अच्छा अगर जल्दी की ही बात है तो नेक्स्ट ईयर के एंड में कर लेते हैं, अब इससे ज्यादा लेट क्या होगा? देखो मेरा अगले साल शादी करने का कोई इरादा नहीं है।
क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे लीड रोल नहीं मिलेंगे, साइड रोल ही मिलेंगे, इसलिए नहीं चाहती। अरे यार क्या हो गया, तुम सीरियस और कॉमेडी ड्रामास भी कर सकती हो बजाय रोमांटिक के। और काम के लिए मैं तुम्हारे लिए अलग से प्रोडक्शन खोल दूँ। तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं, और रोमांटिक रोल मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है? तुम्हें रोमांस पसंद नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, रोमांस के बगैर कोई ड्रामा हिट नहीं होता, रोमांस जरूरी है। हीरोइन को हीरो के करीब ही जाना पड़ता है। हाँ पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अमेरिका में पला पड़ा, मुझे सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत, और मैं तुम्हारे काम को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम्हारे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने लाइफ गुजारनी है उसका समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और वो मैं ही तो हूँ, स्कूल में भी तुम्हारी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखता था मैं। तुम्हें इंग्लिश में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, कितना समझता हूँ ना मैं तुम्हें। प्लीज पीछे हो जाओ सब। क्या कर रहे हो तुम लोग, तस्वीरें बनाना बंद करो, बस करो, बैठ जाओ। आज फिर ये मेरे ख्वाब में आएगी। काश मैं उसकी कुर्सी होता, कितनी खूबसूरत लग रही है। यार मुझे भी तो दिखा। बड़े दिनों बाद आई है। इसकी चेन तो देखो, वाकई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इसने। सर्जरी करवा के तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है, मेरी मानो तुम भी करवा लो, बहुत अच्छी लगोगी। यहाँ बैठ के बातें क्यों बना रही हो, जाके करवा लो ना सर्जरी। नूना प्लीज बर्दाश्त करो, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई, पता नहीं खत्म कब होगी। गुड मॉर्निंग सर। अरे ये तो वही है, ये कहाँ से आ गया यहाँ? क्या तुम जानती हो इसे? हाँ जानती हूँ, नया पड़ोसी है मेरा। बुक्स खोल लीजिए। चलो ये तो अच्छी बात है, इससे दोस्ती कर लो, ये तुम्हें सेमेस्टर में पास करवा देगा। तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम भी तुम इस पेपर में फेल हो चुकी हो। क्या वैसे तुमने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? आज नया टॉपिक है हमारे पास। नहीं कैसे कर सकती हो, कल तो शिफ्ट हुई हो तुम वहाँ। नहीं मैंने बहुत कुछ कह दिया है। खूबसूरत हो, जवान हो, मेरे ख्याल से तुम्हें इस स्मार्टनेस को अपनी स्टडी और स्पोर्ट्स पे यूज करना चाहिए, और तुम बहुत ही गलत इंसान का पीछा कर रहे हो मिस्टर। क्या? अच्छा अब आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे इसकी? आपका मतलब ये कि मैं पागल हूँ, बददिमाग हूँ, बदतमीज हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। मांस मादा मक्खी नर मांस मक्खी से मिलती है, तो उसकी फितरत है कि वो नर मांस मक्खी को मार देती। अब नर मक्खी ये तो चाहती है कि वो मादा से मिले, लेकिन ये नहीं चाहती कि अपनी जान गवा दे। मतलब ये कि वो मोहब्बत तो करना चाहता है लेकिन उसकी कीमत देना नहीं चाहता। तो इसीलिए नर मक्खी पहले से ही मादा मक्खी के लिए खाना ले आता है, ताकि मादा मक्खी का ध्यान खाने में लग जाए और वो उसकी जान ना ले सके। कुछ नर मांस मक्खियां खाने को बड़े से जाल में बांधकर मादा मक्खी के लिए ले आते हैं, ताकि मादा मक्खी उसको खाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम मसरूफ रहे। उसका फायदा यह होता है कि नर मक्खी को मादा मक्खी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। कुछ नर मक्खियां शहद के बजाय जाल खाली ही लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि मादा मक्खी को जाल खोलने में काफी वक्त लग जाता है। जब तक मादा को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक नर मांस मक्खी जा चुकी है। कुछ अरसे बाद मादा मक्खी ने जाल को अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन नर मांस मक्खियों ने होशियारी दिखाई। वो जाल में कोई वजनी सी चीज पहले ही रख देते हैं, ताकि मादा को शक ना हो।
तो आज के लिए इतना ही काफी है। एक्सक्यूज मी, क्या बात है, आप मेरे प्रोफेसर निकले? मैं तो वाकई आपको देखकर हैरान रह गई। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। कल रात जो हुआ उसके बारे में सोच रहे ना? वो क्या है कि कभी कभार मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ और इसी तरह उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ। और आजकल तो सभी ऐसी हरकतें करते ही हैं। कोई काम है तुम्हें मुझसे? वो आपने जो असाइनमेंट दिया है हम सबको, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो क्या करें? आपको क्या लगता है ये बरेआज़म एशिया अब तक साथ क्यों है? सिर्फ हमारे कल्चर की वजह से। कल्चर हमें एक करता है और इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं एक्टिंग करती हूँ। ओके, बात यह है कि मैं अपने ड्रामे की शूटिंग में बहुत बिजी रहती हूँ और आपका ये असाइनमेंट करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। मैं जानती हूँ हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कहाँ जा रहे हैं? मेरी उस हरकत को माफ कर दीजिए ना, पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। अगर आप मुझे ये छोटी सी फेवर दे देंगे तो हो सकता है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। वक्त आने पर मैं भी आपके काम जरूर आऊंगी, वादा करती हूँ। प्लीज असाइनमेंट से मेरी जान छुड़ा दीजिए। मैं जानती हूँ आप इनकार नहीं करेंगे, मेरी बात जरूर मान जाएंगे। जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए, टेंशन क्यों ले? कुछ गलत कहा? जिंदगी को ऐसे बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। फिर तुम एहसान उतारना चाहोगी और वो तुमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी एहसान उतारने के लिए बहुत कम है। इस जिंदगी में हम एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। क्या ये संजीदा था? ये ऐसे ही मजाक कर रहा था मुझसे? इतनी कम उम्री में इतनी समझदारी वाली बात है? कैसे आदमी हो यार तुम, चेंग सॉन्ग को नहीं जानते? वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। मैं इन स्टार्स के बारे में जानकर क्या करूंगा? ये लोग मगरूर होते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं। हाँ, पहले जमाने के एक्टर बहुत अच्छे हुआ करते थे। मुझे तो बैगू बहुत पसंद था। बैगू एक्टर नहीं था, वो गुलूकार था। ओ हाँ, वैसे एक्टर भी था इस नाम का एक। मैं तो इतना टीवी देखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कौन अच्छा सिंगर है और कौन बहुत अच्छा एक्टर। ये वाकई अच्छे होते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं अच्छे होते हैं। तुम्हें एसएसओ याद है? हाँ, वो बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताएं, आपका नया ऑफिस कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है, बिना फीस वाले केस काफी लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आप 3 महीने बाद मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दें। हाँ ठीक है। है? अभी से क्यों बना दूं? अभी तो बहुत वक्त बाकी है। 10 साल के बाद बनवाते हो ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। वो बात यह है कि हो सकता है इस जमीन पर यह मेरा आखिरी साल हो। क्या? 3 महीने बाद मैं घर वापस जा रहा हूं, टाइम आ गया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। वापस जाके मुझे भूल जाओगे ना? आप ही मेरे इकलौते दोस्त हैं, आपको कभी नहीं भूलूंगा।
तुमने इस बार यहाँ सेटल्ड होने का इरादा कर लिया है? पढ़ाई तो मेरी खत्म हो चुकी है, अब वापस जाकर पैसे ही जाया होंगे। हाँ, सिर्फ पैसे ही बचा सकते हो तुम। हाँ, सही कहा तुमने। सीमी, हाँ? इस मौके की गवाह रहना तुम, मैं किसी का हाथ मांगने जा रहा हूं। पंद्रह साल गुजर चुके हैं, अब और कितना इंतजार करवाओगी? तुम्हें यह तस्वीर याद है? तुम्हें तो तस्वीर बनवाना पसंद नहीं, मेरे पास तुम्हारी ये वाहिद तस्वीर है। देखो कैसी लग रही है तस्वीर, अच्छी है ना? तुम तो आज भी वैसे ही जवान हो, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं। यही वजह है कि मैं दोस्त बनाना पसंद नहीं करता, यहां लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और जल्द ही मर जाते हैं और मैं अकेला रह जाता हूं। आपको अभी जीना है, उस वक्त तक जब तक मैं चला ना जाऊं यहां से। बहुत मिस करूंगा मैं आपको, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम इतने अरसे तक जमीन पर रहे ही क्यों? जब आए थे उसी वक्त वापस क्यों नहीं चले गए? इसकी वजह एक हादसा है। उस हादसे में किसी की जान चली गई थी। मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। क्या हुआ था? वो पहली लड़की थी जिसने मुझे तोहफा दिया। ये तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जिस चीज पर यहां आए थे वो फिजाओं में उड़ने वाली कोई चीज थी, बिल्कुल चांद की तरह। क्या तुम सचमुच चांद पर रहते हो? मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाई। और तीन सदियों के बाद कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। क्या? फिर क्या हुआ? 12 साल पहले की बात है। क्रिसमस का दिन था। उस दिन मैं एक लैब में मैनेजमेंट का काम करता था। उस वक्त कई सालों बाद पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। यानी उस लड़की का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जिसे तुमने 400 साल पहले इस जमीन पर देखा था? हाँ। अच्छा, तो क्या फिर दोबारा तुम गए उस जगह उसको ढूंढने के लिए? तुम्हें याद है स्कूल के जमाने में क्रिसमस के मौके पर तुमने मुझे रिंग दी थी? 8th स्टैंडर्ड में थे हम। हाँ बिल्कुल याद है, और तुमने मना कर दिया था। मेरा जवाब आज भी वही है। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे इनकार का आदी हो चुका हूं, लेकिन मुझे जानना है आखिर वजह क्या है, क्यों इनकार कर रही है? क्या तुम्हारी जिंदगी में
कोई और है। क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? कौन? चैंग, ये तुम्हारे लिए। तुम क्यों आए हो दोबारा यहाँ? चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चैंग, चैंग, बात सुनो, रुको। मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ खुदा के लिए। चैंग, चैंग, तो तुम्हें याद नहीं? इतनी पुरानी बात है और वैसे भी मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। मैंने देखा था उसे, मगर मैं याद नहीं रख पाई। तुम कहना क्या चाह रही हो मुझसे? वो चैंग सॉन्ग की पहली मोहब्बत थी ना? क्या? किसी को एक बार देखने से क्या उससे मोहब्बत हो जाती है? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक बार उससे मिली है, इसे तो उसका चेहरा तक याद नहीं। हाँ, हो सकता है वो मेरी पहली मोहब्बत ना हो, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। मेरे दिल में कुछ खलिज बाकी है जो उससे मिलकर ही पूरी होगी। खैर छोड़ो। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। चैंग, बात सुनो, मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ खुदा के लिए। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे किडनैप करोगे? क्या वो सिर्फ एक ख्वाब था? क्या दो लोग एक तरह के हो सकते हैं? अगर वो सब कुछ हकीकत नहीं था तो जाने से पहले एक बार मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ना हो, क्योंकि हमारी सब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं,
뭔 스페셜? 천송이 스페셜이요. 밖에서나 스타죠. 학교에선 평범한 학생일 뿐이랍니다. 천송이 씨, 베껴쓰기, 짝입기, 복사에 붙이기 다 했네요. 0점입니다. 그쪽 몇 살이세요? 대답을 해야 되나? 천송이도 사람인데 실수할 수 있는 거 아닐까요? 나쁜 새끼. 12년 전에 만났던 그 아이 찾아보고 있습니다. 만나야 할 이유가 있다면 만나지지 않겠습니까? 열려라 체크! 어? 도쌤! 저 싸가지 바가지 저거 어린 놈이 강단 서니까 배는 게 없네. 천재 면모래, 하버드 면모래. 얘가 사회성이었잖아, 사회성이. 저 자식이 군대를 안 갔다 와서요. 저런 물정 모르는 놈한테는 군대가 답이죠. 그냥 군대에 확 쳐넣고 한 2년 뺑뺑이 빡세게 돌려야 정신 차리고 인간도 돼. 남자도 된다니까. 맞아. 군대. 신미양여 때 군대 간 사람 본 적 있습니까? 그때는 방탄조끼 대신에 하도시라고 해서 29겹씩 겹쳐있고 그걸로 총알을 막았습니다. 해방이 되고 이제 좀 편해질까 했죠. 그런데 전쟁이 나더니 분단이 되더라고요. 그 이후 육해공군 안 가본 데가 없습니다. 10년에 한 번씩 신분 세탁을 했는데 그때마다 입대를 해야 했으니까요. 싸이가 군대 두 번 갔다 왔다고 뭐라 하던데 나는 조선시대 때부터 다 합치면 24번을 갔다 왔습니다. 내가 이 나라에 400년 살면서 군대에만 49년 7개월을 있었던 셈이죠. 믿어지세요? 전 해병대 보내야 돼.